ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद में तेरे। आप जानते हो 1990 में जब कश्मीरी पंडितों ने बड़ी तादाद में कश्मीर से पलायन किया था, उस वक्त भी कश्मीर के शोपियां में रहने वाले कश्मीरी पंडितों ने पलायन नहीं किया था। आज वो पंडित बड़ी तादाद में पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दैनिक भास्कर की खबर है। मगर भारतीय जनता पार्टी खामोश है और कश्मीरी पंडितों के दर्द पर कई करोड़ रुपए कमाने वाला ये विवेक अग्निहोत्री, जो कि कश्मीर फाइल्स का डायरेक्टर था, वो भी खामोश है। मुद्दा नंबर दो, मीडिया के गुल्लू और कालू और पापा की परियां इस बात को लेकर नाराज हैं कि आखिर केजरीवाल धर्म के नाम पर क्यों राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि धर्म के नाम पर राजनीति तो सिर्फ इनके पापा जी कर सकते हैं। वो पापा जी कौन है आगे जाके बतलाऊंगा, मगर सबसे पहले दोस्तों ये दुखद खबर आपके स्क्रीन पर, दैनिक भास्कर की खबर देखिए। ये खबर साफ तौर पर यह बतला रही है कि जो बात 32 साल पहले नहीं हुई अब जाकर हो रही है। जी हां, पिछले कुछ अरसे में करीब 30 ऐसी वारदात हुई है जहां कश्मीरी पंडितों को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। अब शोपियां में जो आज तक नहीं हुआ अब जाकर हो रहा है, वहां पे जो कश्मीरी पंडित हैं वो पलायन कर रहे हैं। दैनिक भास्कर की खबर देखिए, आतंक के गढ़ शोपियां में 32 साल तक डटे रहे पंडित परिवारों ने भी घर छोड़ा। वो पंडित क्या कह रहे हैं कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा, मगर सबसे पहले इन चेहरों पर निगाह डालिए। अनुपम खेर, जो कि कश्मीरी फाइल्स में किरदार निभा रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे। विवेक अग्निहोत्री, फिल्म के डायरेक्टर, ये वो आदमी है दोस्तों जिसकी फिल्म ने करोड़ों रुपए कमाए, वो फिल्म जिसने अधूरा सच बयान किया, वो फिल्म जिसका मकसद ये था कि समाज के अंदर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में बंटवारा हो, एक बार फिर समाज के अंदर जहर फैलाया जाए। आधा सच इसने कश्मीरी फाइल्स के जरिए बयां किया था, करोड़ों रुपए कमाए थे। इस खबर को देखिए, 18 करोड़ का घर इसने मुंबई में बना लिया था। आज कश्मीर के शोपियां में जो काम 32 साल पहले नहीं हुआ वो अब हो रहा है। कश्मीरी पंडित भाई बहनों को वहां से भागना पड़ रहा है। ये आदमी खामोश है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब ये लोग कितनी मलाई काट रहे थे। सबसे पहले मैं चाहूंगा 5 सेकंड का ये क्लिप देखिए, किस तरह से बैंकॉक के अंदर ये और इनकी पत्नी मजे कर रहे थे, देखिए वीडियो। ये हम हैं, ये बैंकॉक है और यहाँ हमारी पिक्चर चल रही है, इनकी पार्टी हो रही है। और मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, जब इनकी फिल्म रिलीज हुई थी और पत्रकारों ने इनसे सवाल पूछा था कि आपकी फिल्म करोड़ों रुपए कमा रही है, क्या आप इसका एक हिस्सा कश्मीरी पंडितों को देंगे जो अब भी रेफ्यूजी कैंप्स में फंसे हुए हैं, तब इस आदमी ने कहा था, नहीं नहीं साहब, ये फिल्म इतनी कुछ नहीं कमा रही जितना आप सोच रहे हैं। सुनिए इस आदमी ने किस तरह से बेशर्मी की तमाम हदों को उस वक्त पार किया था, सुनिए। इस मूवी से जो कमाई होगी क्या ये कश्मीरी पंडितों को कुछ हिस्सा दिया जाएगा उसमें? कमाई होगी तब बात करेंगे, अभी कमाई की स्थिति तो है, कमाई तो बहुत हो रही है, स्थिति तो है। अभी आपको ऐसा लग रहा है, वो गलत फहमी है आपकी। देखा आपने, साफ तौर पर ये आदमी कह रहा था कि नहीं साहब, ऐसी कोई कमाई नहीं हुई है, आप लोगों को ऐसा लग रहा है। इस व्यक्ति ने मुंबई में 17-18 करोड़ का घर खड़ा कर लिया। ये व्यक्ति जिसने कश्मीरी पंडितों के दर्द पर फिल्म बनाई, कायदे से इस आदमी को कम से कम बयान देना चाहिए कश्मीरी पंडितों के बारे में कि मैं आपके दर्द में भागीदार हूं, तुमने उन्हीं कश्मीरी पंडितों के दर्द पर एक फिल्म बनाई, उससे करोड़ों रुपए कमाए और आज तुम्हारी बेशर्मी लगातार जारी है। मैं विवेक अग्निहोत्री को बतलाना चाहता हूं कि वहां पर कश्मीरी पंडित किस खौफ के साए में जी रहे हैं। आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह है दैनिक भास्कर की एक कटिंग, इसके अंदर जिन कश्मीरी पंडितों को हाल ही में आतंकवादियों ने मौत के घाट उतारा वो क्या कह रहे हैं, आपके स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की ये कतरन।
पूर्ण कश्मीर के रिश्तेदार ने दैनिक भास्कर को बताया, घर छोड़ने वाले सभी परिवार गहरे सदमे में हैं। हमने पिछले 32 साल में कभी कश्मीर छोड़ने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि खौफ के मारे घर में कैद होकर रह गए हैं, इसलिए वहां रहना अब मुमकिन नहीं है। जान बचाने के लिए हमने घर, जमीनें, बागीचे आदि सब छोड़ दी हैं। अश्विनी भट्ट से सवाल किया गया, क्या वे घर वापस जाना चाहते हैं? तब उन्होंने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मैंने छोटे भाई की लाश अपने हाथों से उठाई है, मैं किसी भी कीमत पर वापस नहीं जाऊंगा, ना ही अपने बच्चों को कश्मीर जाने दूंगा। शोपियां में मेरे पास 100 कनाल यानी 12.5 एकड़ जमीन है, लेकिन उस जमीन की कीमत मेरे परिवार की जिंदगी से ज्यादा नहीं है, इसलिए जब मैं रिटायर हो जाऊंगा उसके बाद यहां जम्मू में कोई ठिकाना तलाश लूंगा, मगर कश्मीर नहीं जाऊंगा। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस यही सवाल पूछ रही है कि आखिर कश्मीरी पंडितों को कहां सुरक्षा मिल रही है, सरकार आखिर खामोश क्यों है? पिछले 8 साल में लगातार सरकार को आगाह कर रही है, सरकार से सवाल पूछ रही है, सरकार पर दबाव बना रही है कि साहब वहां आप स्थिति को सामान्य करिए, कश्मीरी पंडित वापस जा सकें, जो वहां रह रहे हैं वो महफूज रहें, सुरक्षित रहें। मुझे आप बताइए कि 70 मंत्री जा रहे हैं, 10 अक्टूबर से इनकी ये यात्रा आउटरीच की शुरू हुई है, आप कश्मीरी पंडितों के कैंप में नहीं जा सकते? ये है आउटरीच। विपक्ष को तो जो करना है उससे कहीं ज्यादा कर रहा है। सरकार आपकी है, एलजी आपके हैं, सब कुछ आप ही का है, 303 सीटें हैं आपकी, कहां है कश्मीर में सामान्य स्थिति? मैं फिर सवाल पूछना चाहता हूं, जिस भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीरी पंडितों के दर्द पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम जगहों पर सियासत की, वो इन कश्मीरी पंडितों के दर्द के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आखिर क्यों खामोश हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह? आखिर क्यों खामोश हैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी? और जिन लोगों ने कश्मीरी पंडितों के दर्द पर करोड़ों रुपए कमाए वो क्यों खामोश हैं? मैं आपको बतलाना चाहूंगा किस तरह से कश्मीरी पंडितों को हाल ही के दिनों में एक एक करके निशाने पर साधा गया। पिछले कुछ महीनों में 30 ऐसी मौतें हुई हैं, मगर पिछले कुछ दिनों में किस तरह से उन्हें मौत के घाट उतारा गया आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले इस तारीख पर गौर कीजिए, 18 अक्टूबर, इस दिन 2 प्रवासियों की हत्या हुई। 15 अक्टूबर पूर्ण कृष्ण भट्ट की हत्या, जिसकी बात हम कर रहे हैं, शोपियां में जहां हत्या हुई है। इसके बाद इस तारीख पर गौर कीजिए, 16 अगस्त शोपियां में ही सुनील की हत्या कर दी गई, भाई जो है वो घायल हो गया। अब गौर कीजिए इस तारीख पर, 12 अगस्त यहां पर एक प्रवासी मजदूर की हत्या कर दी गई। 31 मई को कुलगाम में स्कूल टीचर रजनी बाला की हत्या कर दी गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये कश्मीरी पंडित नहीं है? और उससे भी बड़ी बात, ये वीडियो देखिए दोस्तों, यहां आप देख सकते हैं करीब 200 दिन हो गए हैं कश्मीरी पंडित जम्मू के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आतंकवाद ने एक बार फिर अपने पांव पसारे हैं, एक बार फिर अपना नापाक सर उठाया है और कश्मीरी पंडितों पर निशाना साध रहे हैं। उन्हें लाठियों और डंडों से मारा गया, मगर इन कश्मीरी पंडितों के पास विवेक अग्निहोत्री नहीं जाएंगे, अनुपम खेर नहीं जाएंगे। इन कश्मीरी पंडितों के दर्द पर ये लोग भारतीय जनता पार्टी से सवाल नहीं करेंगे। मैं आज अनुपम खेर से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अनुपम जी, मुझे बताइए, आप कश्मीरी फाइल्स के अंदर आप लगातार बैनर लेके घूमते हैं कि आर्टिकल 370 हटना चाहिए। उस फिल्म के अंदर पूरा एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे पक्ष में हैं। उस फिल्म के अंदर आप एक कश्मीरी पंडित का किरदार निभा रहे थे, जो आप हैं भी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 1990 को जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में रामरथ यात्रा निकाल दी थी, जिसके जरिए जगह जगह पर दंगे शुरू हो गए थे। क्या आपने कभी बीजेपी से उस फिल्म के अंदर एक सवाल पूछा कि जब कश्मीरी पंडित भाग रहे थे तब लालकृष्ण आडवाणी रामरथ यात्रा क्यों निकाल रहे थे? नंबर एक। नंबर दो, क्या आपने सवाल पूछा उस फिल्म के अंदर, क्योंकि इस फिल्म के अंदर आप बीजेपी की जय जयकार कर रहे हैं,
तो क्या आपने सवाल पूछा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं पिछले 8 सालों में क्या वो एक बार भी रेफ्यूजी कैंप्स गए हैं कश्मीरी पंडितों के? और मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आप कश्मीर के शोपिया में इन कश्मीरी पंडितों के दर्द पर खामोश क्यों हैं? आखिर ये खामोशी क्यों? ये जो उग्र अंदाज था आपका कश्मीरी फाइल्स के जरिए, क्या उसका मकसद सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक मदद करना, पैसा कमाना, देश की जनता के सामने आंशिक सत्य पेश करके, अधूरा सच पेश करके, अर्ध सत्य पेश करके पैसे की कमाई करना? मगर जब असली दर्द आपके सामने दिखाई दे रहा है, आप तो 1990 की बात कर रहे थे, मैं आपके सामने 2022 की तस्वीर पेश कर रहा हूं। क्योंकि हमें वादा क्या किया गया था कि धारा 370 हटेगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, मगर हम पिछले 1 साल से देख रहे हैं कि कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं, वहां काम करने वाले बिहारी और उत्तर प्रदेश के जो मजदूर हैं वो पलायन कर रहे हैं। इन मुद्दों पर आप क्यों खामोश हैं? और फिर बैंकॉक में इस तरह से पार्टी मनाई जाती है। जब पत्रकार ये सवाल पूछते हैं विवेक अग्निहोत्री से कि क्या आप अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा कश्मीरी पंडितों को देंगे, तो कहते हैं कि नहीं साहब, फिल्म ने कमाई नहीं की, और फिर आप 18 करोड़ का बंगला खड़ा कर देते हैं। अरे थोड़ी तो शर्म कीजिए साहब, सब शर्म बेच दी है क्या आपने? क्या नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है? क्या रीड कुछ नहीं है तुम्हारी? उन कश्मीरी पंडितों के दर पर पैसे की कमाई करते हो तुम और उनके दर्द की बात नहीं करना चाहते? सच तो यह है दोस्तों, ये लोग क्रिएटिवली पूरी तरह से बैंकरप्ट लोग हैं, ये पूरी तरह से खोखले लोग हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। हकीकत यह है और इसके अलावा कुछ नहीं, इन्हें सिर्फ कमाई करनी आती है। 2014 से पहले ये अनाप शनाप सेमी पॉर्न फिल्में बनाते थे। जी हां, सेमी पॉर्न फिल्में। 2014 के बाद जब से बीजेपी सत्ता में आई तब इनको बात समझ आई कि भैया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उनके प्रचार में फिल्में जो बनेंगी उसमें हम भी कमाई करेंगे और हम भी जो है अपना नाम रोशन करेंगे, जो भी वो भी रहा है। कितने शर्म की बात है दोस्तों। आज जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया, दूसरा मुद्दा है, जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक बहुत ही अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने बयान दिया कि नोट के अंदर गांधी जी के अलावा लक्ष्मी जी और गणेश जी की भी तस्वीर लगाई जाए, और कांग्रेस ने उन पर हमला बोलते हुए कहा कि ये संघ के छोटे रिचार्ज हैं। यानी कि एक व्यक्ति जो आईआईटी से पढ़कर निकला है, जो आईआरएस ऑफिसर रहे हैं, वो व्यक्ति जिसने राजनीति को बदलने की बात की थी, अब वो भी रुपए में लक्ष्मी और गणेश चाहते हैं। ये बात अलग है कि इसके जरिए कहीं ना कहीं सरकार की जवाबदेही खत्म की जाती है, क्योंकि देखिए जैसे आप धर्म सामने ले आते हैं तो सरकार से कोई सवाल थोड़ा ना पूछता है। पिछले 8 सालों में मोदी सरकार के साथ हम यही देख रहे हैं। मगर आप जानते हैं मीडिया में एक बहुत दिलचस्प बात चल रही है। मसलन एबीपी न्यूज के अंदर यह कार्यक्रम कर रही थी, लक्ष्मी गणेश वाले होंगे नोट तो क्या अब देवी देवता के नाम पर चाहिए वोट? अरे मोहतरमा, जिस पॉलिटिकल पार्टी की आप वाहवाही करते हैं, जिनके पक्ष में आप न्यूज चैनल में बैठ के प्रचार करती हैं, वो तो पिछले 3 दशकों से यही कर रहे हैं। पिछले 8 सालों से धर्म के नाम पर जो बंटवारा भाजपा कर रही है, उस पर कभी आपने उनसे सवाल किया? आप अरविंद केजरीवाल से सवाल कर रही हैं कि आपके सामने आपकी चुनावी गुलाटी पर सियासत गर्म? अरे वाह, फिर ये देखिए साहब, एक और गुल्लू कालू के दर्शन, आपकी नोट नीति या वोट नीति? सबसे अजीबोगरीब बात यह है दोस्तों, जिस तरह की जुबान भारतीय जनता पार्टी के नेता किया करते थे या भाषा का इस्तेमाल है, वो आम आदमी पार्टी के नेता करने लग गए हैं। मसलन पार्टी के जो एक नेता हैं नरेश बालियान, वो क्या कह रहे हैं, भाजपा वालों को अगर गणेश जी लक्ष्मी जी से दिक्कत है तो पाकिस्तान चले जाएं। हमारे गिरिराज सिंह ने भी ऐसी कुछ कहा था कि जिन्हें मोदी जी से दिक्कत है वो पाकिस्तान चले जाएं। और फिर आतिशी जी, जी हां आतिशी जी जो अक्सर सामाजिक सरोकार की बात किया करती थी, अब वो क्या कह रही हैं आपकी स्क्रीन पर,
मैं भाजपा के सामने हाथ जोड़कर कहना चाहती हूं, इस प्रस्ताव का विरोध ना करें। यह सिर्फ अरविंद केजरीवाल का प्रस्ताव नहीं बल्कि सभी 130 करोड़ देशवासियों का प्रस्ताव है। आप अरविंद केजरीवाल से नफरत करें मगर लक्ष्मी जी और गणेश जी से नफरत क्यों? देश की समृद्धि से नफरत क्यों? कमाल है साहब, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी शिक्षा की बात किया करती थी, मुफ्त पानी बिजली की बात करती थी, सामाजिक सरोकार की बात करती थी, अब वो भी समझ गए हैं साहब कि अगर वोट्स हासिल करना है तो यही सब करना पड़ेगा। मगर कार्यक्रम का जो ये दूसरा हिस्सा है, इसका मकसद सिर्फ अरविंद केजरीवाल की आलोचना या उनके उन्हें कटघरे में नहीं खड़ा करना है, ये बतलाना है कि राजनीति में किस तरह की कॉमेडी चल रही है, मीडिया न्यूज चैनल्स में किस तरह की कॉमेडी चल रही है, जिसकी झलक मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। मीडिया आम आदमी पार्टी से सवाल कर रही है कि साहब आप देवी देवताओं पर राजनीति क्यों कर रहे हैं, जबकि आप साफ तौर पर जानते हैं कि प्रधानमंत्री अभी अभी केदारनाथ से होकर आए हैं। जब वोट डाले जाते हैं तो प्रधानमंत्री इसी तरह से गुफा के अंदर बैठ जाते हैं और पूरे दिन जब वोट डाले जा रहे होते हैं तो ये तस्वीर मीडिया के न्यूज चैनल्स दिखाई देते हैं। तब मीडिया के न्यूज चैनल्स प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछते हैं कि आप आस्था के नाम पर क्यों राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी को सब अलाउड है मगर जब कोई दूसरा करे तो इस तरह की कवरेज न्यूज चैनल्स में दिखाई देती है। बहरहाल अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।